नमस्ते मित्रों, आज योग के ही भेद की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं अंतिम योग जो कि राजयोग है। राजयोग को मित्रों जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, राजा, योगों का राजा के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि राजयोग आखिर होता क्या। तो मन को एकाग्र करने की यह कला भी है और एक विज्ञान भी। योग के राजा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार के योगों का लक्ष्य समाधि की अवस्था प्राप्त करना होता है, जबकि राजयोग का साधक सीधे समाधि अवस्था से ही साधना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सब योगों का लक्ष्य होने तथा सभी योग साधनों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे राजयोग कहा जाता है। योग सीखो उपनिषद में राजयोग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, रजसो तेतसो योगद्राज्ययोज इति स्मृतः, अर्थात रज रूपी कुंडलिनी शक्ति का रेत रूपी शिव के साथ मिलन, अर्थात आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व के साथ मिलन ही राजयोग कहलाता है। वह मन जिसमें एक लक्ष्यता और एकाग्रता का अभाव, वह कभी भी सत्य की अनुभूति के लिए अनुपयुक्त साधन होगा। मनुष्य का मन जब पूर्ण रूपेण शांत और अस्थिर हो जाता है, तब कभी कभी अचानक ही उसमें सत्य का उदय होता है। और भले ही हमने चेतन भाव से खोजने का प्रयास न किया हो, झील के शांत जल में जब कोई छोटी या बड़ी लहर इसके सतह का चंचल नहीं कर पाती है, तब चंद्रमा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। ठीक उसी प्रकार जब मन हमारा अन्य बाधाओं या अस्थिर विचारों से उत्तेजित नहीं होता है, तब यह संभव होता है कि हम सत्य की झलक पा सकें। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर ले, एकाग्रता को प्राप्त करने में संभव कर सके अपने आप को, तो हम परम तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग के प्रथम प्रवक्ता महर्षि पतंजलि ने मन की क्रियाओं और स्वभाव का बड़े ही सूक्ष्म ढंग से विश्लेषण किया और इसे नियंत्रित एवं शांत करने के निमित्त तरीकों और साधनों का हमें सुझाव दिया। उनके मतानुसार चित्त वृत्तियों को शांत करने का तरीका ही योग है। किसी झील की सतह वायु झंकृत लहरों और बुलबुलों के रूपांतरित होने पर चंद्रमा को प्रतिबिंबित नहीं कर पाती, ठीक उसी प्रकार हमारे चंचल विचार हमारी दृष्टि को सत्य से ओझल कर देते हैं। ऐसा चित्त वृत्तियों में हुए परिवर्तन के कारण होता है, जो हमारे जीवन के विविध अनुभवों की परिणति मात्र है, भले ही वह अनुभव भूतकाल या वर्तमान काल का क्यों न हो। राजयोग मन के आवश्यक रूपांतरणों और व्यर्थ के विचारों में पड़ने से केवल रोकता ही नहीं, बल्कि यह हमें सही तरीका ही बताता है। राजयोग की साधना में प्रमुखतः मित्रों 8 सोपान हैं। इसके प्रथम है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम है समाधि। लेकिन आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल राजयोग ही योग है, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग यह भी समझते हैं कि प्राणायाम की साधना ही मुख्य रूप से राजयोग है। प्राणायाम विभिन्न प्रकार की खास क्रियाओं का नाम है जो ध्यान की एकाग्रता में मदद हमें पहुंचाता है। जब हम रिदमिक ब्रीदिंग लेते हैं मित्रों, यानी कि गहरी लेते हैं और लंबी लेते हैं, यह हमारी लयात्मक सांस हमारे मन की एकाग्रता को प्राप्त करने में बड़ा ही सहायक होता है। वही सांस की अनियमितता मन की एकाग्रता के प्रयास में बाधक है। इसीलिए राजयोग के साधक को यह राय दी जाती है कि वह प्राणायाम के साथ ही साथ उन सारे 7 स्थितियों में से किसी एक का अभ्यास अवश्य करें और अगर संभव हो सके तो 7 का करें। सभी योग में राजयोग का विशेष दुरुपयोग हुआ है मित्रों। हमारी मन असीमित शक्तियों का भंडार है।
जब यह एकाग्रचित होना प्रारंभ कर देता है तब कभी कभी हमारा मन विलक्षण सिद्धियों को अनुभव करने में लग जाता है। कई अज्ञानी एवं मूढ़ व्यक्ति जो प्रायः अलगनशील और परम सत्य की अनुभूति के प्रति वास्तव में उत्कट लालसा नहीं रखते हैं, इन सिद्धियों का बहुत महत्व देते हैं और प्रायः भौतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एकाग्रता के इन साधनों द्वारा मन एक ऐसा सुंदर यंत्र बन सकता है कि इसका स्वामी अपने में कुछ अति प्राकृतिक शक्तियों का, जैसे भविष्य को देख लेना या दूसरे को विचारों को पढ़ लेना, विकसित कर सकता है। यद्यपि ऐसी शक्तियां अपने आप में शायद ही कोई आध्यात्मिक मूल्य रखती है, फिर भी इसका प्राप्तकर्ता आसानी से इसका लाभ कमाने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। केवल एक ही सांत्वना है कि गुण के और अवगुण, ईमानदारी और बेईमानी इस विश्व में साथ साथ ही रहते हैं और रहेंगे, एवं सच्चाई और परम सत्य की सच्ची तलाश पर किसी देश का एकाधिकार भी नहीं है। मित्रों, तो आज आपने इस वीडियो में देखा मित्रों कि किस तरह से हम राजयोग को परिभाषित करते हैं, किस तरह से इसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अपने एकाग्रता का बढ़ा सकते हैं। मूलतः हमने यह बताने का प्रयास किया कि एकाग्रता की क्या महत्ता है। तो इस सीरीज में हमने प्रमुखतः चार तरह के योग को बताया। इसके अलावा भी कई योग के प्रकार हैं, जैसे कि दत्तात्रेय योग शास्त्र और योगराज उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग के रूप में योग के चार प्रकार माने गए। श्रीमद् भागवत गीता में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में विस्तृत से रचना पाई गई है। महर्षि पतंजलि ने योगों को मुख्यतः लक्षित कार कर योग सूत्रों में इसकी विवेचना यौगिक भेदों के बारे में जब हम शास्त्रों पर दृष्टिपात करते हैं तब यही निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में जितने भी उपाय या विधियां प्रचलित थी उन सब को योग के नाम से ही अभिहित किया जाता था। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है आप योग के बारे में अपनी जानकारी में बढ़ोतरी किए होंगे और हमारे साथ बने रहते हैं। इसके लिए नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से सप्रेम धन्यवाद।